याराध्या विधि विष्णुरुद्र मुनिभिर्या विश्ववंद्यार्चिता सर्वप्राणिहितैषिणी शुभकरी त्रैलोक्यमाता चया नित्यानंदमयी पराध्वर हविर्मूला जगत्तारिणी साधेनुर्वरदास्तु मे भगवती सर्वेश्वरस्येश्वरी। नमो गोभ्य श्रीमतीभ्यः सौरभेयीभ्यैव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। त्वं माता सर्वदेवानां त्वं च यज्ञस्य कारणं त्वं तीर्थं सर्वतीर्थानां नमस्तेस्तु सदानघे। यया सर्वमिदं व्याप्तं जगत्स्थावरजङ्गमं तां धेनुं शिरसा वन्दे भूतभव्यस्य मातरम्। गावो ममाग्रतः सन्तु, गावो मे सन्तु पृष्ठतः, गावो मे हृदये सन्तु, गवां मध्ये वसाम्यहम्। श्रीराम जय राम जय जय राम। गीता गंगा च गायत्री गौश्च गोविंद एव च सनातनस्य धर्मस्य पंच प्राणाः प्रतिष्ठ प्रकीर्तिताः। जैसे हमारे और आपके प्राण हम आपको जीवित रखते हैं, उसी तरह से सनातन धर्म के प्राण क्या हैं। लोग कहते हैं ना कि सनातन धर्म खतरे में है। खतरे में क्या है, मतलब उसके प्राण खतरे में हैं। अगर उनको नहीं बचाया गया तो सनातन धर्म मर जाएगा। तो सनातन धर्म के प्राण क्या हैं, अगर उनको नष्ट कर दिया जाए तो सनातन धर्म नष्ट हो जाएगा। तो बताया कि सनातन धर्म जो है उसके पांच प्राण, जैसे हमारे प्राण अपान व्यान उदान समान, उसी तरह से सनातन धर्म के पांच प्राण हैं गीता गंगा गायत्री गौ और गोविंद। गीता गंगा च गायत्री गौश्च गोविंद एव च सनातनस्य धर्मस्य पंच प्राणाः प्रकीर्तिताः। पांच प्राण हैं सनातन धर्म के, उनमें से एक गौ भी है। इसीलिए गौ के नाश का प्रयास हो रहा है ताकि सनातन धर्म को नष्ट कर दिया जाए। तो इसलिए गौ को अपने को बचाना है, ठीक है। ये गौ जब बचेगी तभी ये गीता भी बचेगी, गंगा भी बचेगी, गायत्री भी बचेगी, गोविंद भी बचेगा, अन्यथा सब नष्ट होंगे। इसीलिए अब अपने लोग चलते हैं प्रस्थानत्रयी की ओर। हमारे यहाँ जब हम चलते हैं तो नियम है कि हम लोग खुद नहीं चलते। सनातनियों की विशेषता क्या है, सनातनी जो है वो खुद नहीं चलता, वो अनुसरण करता है। अपने आगे किसी महापुरुष को रखता है और उसके पीछे पीछे चलता है। हम अनुसरण करने वाले लोग हैं, हम सीधे नहीं चलते। अनुसरण करने का मतलब क्या है, महाजनो ये न गतः सपंथाः। महान लोग जिस रास्ते से चले गए वही मेरा रास्ता है। मैं अपने महापुरुषों की ना तो उपेक्षा करता हूँ और ना तो उन पर अविश्वास करता हूँ, बल्कि उन पर पूरा भरोसा रख करके उन्हीं के चले गए मार्ग पर स्वयं को भी चलाता हूँ। इसका मतलब मैं अनुगमन करता हूँ, गमन नहीं करता, मैं अनुगामी हूँ। किसका अनुगामी, अपने ऋषि महर्षियों के, महापुरुषों के। तो अनुगमन करना है,
इसीलिए प्रस्थानत्रयी। प्रस्थान क्या है? तो प्रस्थान वही है जो पहले से किसी के द्वारा चला जा चुका और चल करके जिस रास्ते पर चल करके लोगों ने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया, उसी रास्ते हम भी चलेंगे। तो हमें भी जैसे उनको लक्ष्य इस रास्ते पर चलने से मिल गया था, वैसे हमको भी मिल जाएगा, ये भरोसा हमको अनुगमन करने के लिए प्रेरित करता है। तो हम लोग अनुगामी हैं। और गाय गाय हमको सही जगह पे लेके जाती है, इसलिए गाय की पूछ पकड़ के कुछ लोग चल देते हैं, वो गलत जगह ले ही नहीं जाएगी। आंख बंद कर लिए, गाय की पूछ पकड़ ले तो गाय सही जगह पे ले जाके खड़ी कर देगी। तो गाय का अनुगमन करते हुए चलने के लिए भावना हमारी हुई, इसीलिए हमने उपनिषद पाठ के पहले थोड़ा सा गौ का महात्म्य आपको बता दिया। अब अपने लोग इधर चलते हैं। कल आपको बताया गया कि प्रस्थान माने आरंभक बिंदु, यहाँ से हमारी यात्रा आरंभ होने वाली। यात्रा तभी कोई व्यक्ति आरंभ करता है जब वो अपनी वर्तमान परिस्थिति से उद्विग्न हो और उसको एक संभावना सुस्पष्ट रूप से अच्छे भविष्य की दिखाई दे रही। तो जो व्यक्ति अभी संसार में ही रमा हुआ है उसके लिए कोई प्रस्थान नहीं। क्यों? क्योंकि उसको कहीं जाना ही नहीं। हाँ, वो क्या करेगा, अगर उसके पैर फड़कने लगेंगे कि हमको कहीं जाना है, मन होने लगेगा, तो वो संसार में ही गोल गोल घूमेगा। इसलिए संसार के मार्ग अलग हैं, जगह जगह बने हुए हैं। आप किसी भी मार्ग पर चल दीजिए, लेकिन वो कहाँ ले जाएंगे? इस संसार में आप अगर रास्ता तय करेंगे, संसारी रास्ता, तो संसारी रास्ता संसार में ही लेके जाएगा। अभी इस जगह पे हैं, फिर किसी और जगह चले जाएंगे, वो भी संसारी होगा। फिर तीसरी जगह चले जाएंगे, वो भी संसारी होगा। चौथी जगह चले जाएंगे, वो भी संसारी होगा। तो इस तरह से संसार के रास्तों पर आप घूमते रहिए, संसार कभी निवृत्त नहीं होगा। संसार के रास्ते संसार में ही आपको हर समय घुमाते रहेंगे। इसीलिए शंकराचार्य जी ने कहा, संति विद्या जगत्यस्मिन् संसार भ्रम हेतवः भजे हम ताम यया विद्वान विद्ययाम अमृतम अश्नुते। इसका मतलब है कि इस संसार में बहुत सारी विद्याएं हैं, तो उनको पढ़ लें। का उसे पढ़ने का फायदा यह होगा कि चलना सीख जाओगे आप, लेकिन रास्ता नहीं कटेगा। जहाँ से चलोगे वहीं रह आओगे। जैसे ट्रेडमिल होता है, ट्रेडमिल आप लोग देखे हैं, ट्रेडमिल ऐसी एक मशीन होती है जिसके ऊपर खड़े होके लोग चलते हैं, है ना, दौड़ते भी हैं उसके ऊपर, उसी को पट्टा लगा रहता है, उसके ऊपर चलते भी हैं और दौड़ते भी हैं। घंटों घंटों कई लोग चलते हैं, घंटों घंटों कई लोग दौड़ते हैं, लेकिन जब एक घंटा बीत जाए चलते चलते, फिर उसके बाद कितनी दूर जाते हैं वो लोग, हैं? दूरी तय नहीं होती। चलते तो हैं लेकिन दूरी तय नहीं होती। मथुरा के चौवे नाव चलाते रहते हैं, लंगर नहीं खोलते, तो जहाँ की तहाँ रह जाती है रात भर। इसी तरह से आपका जो चलना है, संसारी विद्याओं को पढ़ करके आप समझते हैं हम चल रहे हैं, हम यात्रा कर रहे हैं, लेकिन असल में कोई यात्रा होती नहीं है। जहाँ के तहाँ जिंदगी भर चले और जहाँ के तहाँ, जब जिंदगी की शाम हुई, संध्या काल आया, आंखें बंद होने लगीं, तो देखा कि हम कहाँ हैं, पता चला जहाँ से चले थे वहीं हैं, कहीं कोई प्रगति नहीं। तो संसार की जो विद्याएं हैं, उन विद्याओं को पढ़ने से आपको एक भ्रम होता है कि मैं यात्रा कर रहा हूँ, किसी लक्ष्य की तरफ जा रहा हूँ, लेकिन कोई लक्ष्य प्राप्त होता नहीं। पढ़ रहे हैं लोग, एक विद्या को पढ़ लिया, उसके विद्वान हो गए, प्रोफेसर हो गए, उससे क्या मिला? उससे उनको जो खा रहे थे पहले, उससे अच्छा खाना मिल गया। जो पहन रहे थे उससे अच्छा पहनना मिल गया।
जिस मकान में रह रहे थे उससे अच्छा मकान रहने को मिल गया। माने जो चीजें थी वही बेहतर हो गई, बस इससे ज्यादा क्या हुआ। चीज तो वही है, जो शुरू में समस्या थी वही समस्या बाद में भी है। शुरू में दुख था कि हमारा मकान, हमारी दुकान, हमारे कपड़े, हमारी चीजें, ये सब बात मन में थी। आपने कहा कि मैं पढ़ूंगा, दिन रात मेहनत करूंगा, पढ़ा, दिन रात मेहनत की, परीक्षाएं पास की, पास करने के बाद फिर इंटरव्यू हुआ, नियुक्ति हो गई, प्रोफेसर होकर के घूमने लगे, ये सब हो गया। परिश्रम का परिणाम क्या मिला कि अब आपका कपड़ा अच्छा हो गया, अब आपका घर अच्छा हो गया, अब आपकी दुकान अच्छी हो गई, आपका सब कुछ अच्छा हो गया। लेकिन समस्या तो बनी हुई है। क्या समस्या बनी है कि अभी भी, पहले आपको लगता था मेरा मकान अच्छा नहीं, इसलिए मैं मेहनत करके अच्छा कर लूँगा, कर लिया, लेकिन आपका मकान सबसे अच्छा हो गया। आपके मकान से जाने कितनों के और अच्छे अच्छे मकान बने हुए हैं। तो अभी अच्छा करने की जो इच्छा है वो जहाँ की तहाँ है। आपने पहले जैसे भोजन और अच्छा कर लिया, लेकिन अभी आपसे अच्छे भोजन और लोग हैं। इसी तरह से सब चीजें हैं। तो आप कुछ बेहतर हो जाते हो, लेकिन पूरी तरह से बेहतर नहीं हो पाते हो। आपसे भी बेहतर कोई ना कोई रहता है, और उस बेहतरी की आशा, आकांक्षा आपके मन में वैसे ही रहती है जैसे पहले थी। इसका मतलब कितना चले आप चले ही नहीं। आपके मन में पहले भी आकांक्षाएं थीं, और जिंदगी पूरी होने के बाद भी आकांक्षा जहां की तहां बनी हुई कि मेरे पास बेहतर चीज हो जाए। पहले जो थी उसमें आप संतुष्ट नहीं थे, उससे बेहतर चाहते थे। अब जो आपके पास है उसमें भी आप संतुष्ट नहीं है, उससे बेहतर आप चाहते हैं। बात तो जहां की तहां। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी यात्रा होती नहीं है, हमारी यात्रा का हमको भ्रम होता है कि हम चल रहे हैं। ट्रेडमिल का चलना है, लौकिक विद्याओं का अध्ययन, इसका मतलब ट्रेडमिल की दौड़। खूब दौड़े, हाँ भी छूट गई, पसीना आ गया, धक 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 हृदय करने लगा, लेकिन यात्रा 1 मीटर की भी नहीं हुई, जहां के तहां ही खड़े रह गए। ऐसे ही लौकिक विद्याओं का अध्ययन आपको आभास देता है कि आप बहुत तगड़ी यात्रा कर रहे हैं, लेकिन असल में 1 इंच भी आप आगे बढ़ नहीं पाते हैं। जहां जन्मे थे वहीं मर जाते हैं, और फिर अगले जन्म में वहीं से शुरुआत करते हैं। इसीलिए संसार भ्रम हेतवा, संसार में घुमाने की जो हेतुभूता विद्याएं हैं, उन विद्याओं को शंकराचार्य जी ने पढ़ने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा मैं ऐसी यात्रा करना चाहता हूं जिससे मुझे सदा सदा के लिए सब कुछ प्राप्त हो जाए, फिर किसी वस्तु की आकांक्षा ही मेरे मन में न रह जाए। आकांक्षा की निवृत्ति ही एकमात्र उपाय। तो उसके लिए ये प्रस्थान है। ऐसी इच्छा अगर किसी के मन में हो जाए कि मैं ऐसी यात्रा करूंगा, तो उसके लिए ये प्रस्थान है। और इन प्रस्थानों में 3 श्रेणी बता दी, एक वेद की, एक स्मृतियों की, और दूसरी तर्क की। जो वेद की, वेद का प्रस्थान है उसको क्या कहते हैं? श्रुति प्रस्थान। जो स्मृतियों का प्रस्थान है उसको क्या कहते हैं? स्मृति प्रस्थान। और जो तर्क का प्रस्थान है उसको क्या कहते हैं? तर्क प्रस्थान अथवा न्याय प्रस्थान। ठीक है, और इन में कौन से ग्रंथ काम आते हैं? श्रुति प्रस्थान में जो 10 उपनिषद, और स्मृति प्रस्थान में श्रीमद् भगवद गीता, और तर्क प्रस्थान में ब्रह्मसूत्र। ठीक है, तो इनमें जो श्रेष्ठ होता है उसको पहले अपने लोग अपनाते हैं। श्रेष्ठ जो है श्रुतियां हैं, श्रुति अनुसार ही सब बाकी चीज हो सकता है, वही परम प्रमाण है। इसलिए हम लोगों ने सबसे पहले श्रुति प्रस्थान से अपनी चर्चा आरंभ करने का विचार किया है।
तो आप लोगों को श्रुति प्रस्थान के जो 10 उपनिषद हैं उनके नाम बता दिए गए, कृपया सुना दें। ईशकेन थोड़ा और तेज बोलना पड़ेगा आपको। ठीक है, ईश माने ईशावास्य उपनिषद, केन माने केनोपनिषद, कठ माने कठोपनिषद, प्रश्न माने प्रश्नोपनिषद, मुंड माने मुंडकोपनिषद, मांडुक्य माने मांडुक्योपनिषद, तित्तिरी तित्तिरी माने तैत्तरीयोपनिषद, ऐतरेय माने ऐतरेयोपनिषद, छांदोग्य माने छांदोग्योपनिषद और बृहदारण्यक माने बृहदारण्यकोपनिषद। ये 10 हो गए, ये 10 हैं। और फिर परंपरा के पालन के लिए 11वें श्वेताश्वतर उपनिषद पर भी भगवान शंकराचार्य जी का भाष्य है, वो भी समय अनुसार हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहला उपनिषद बताया ईश, ईश उपनिषद। ठीक है, अब ईशोपनिषद का पाठ आज अपने लोग पढ़ रहे हैं। ये जो ईशोपनिषद है ये किस वेद से लिया गया है? बताइए। शुक्ल यजुर्वेद के माध्यंदिनी शाखा के अंतर्गत ये उपनिषद आता है। ठीक है, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शांति शांति शांति। ये हमारे यहाँ परंपरा है। क्या परंपरा है? जो लौकिक परंपरा है और वैदिक परंपरा है, दो तरह की परंपराएं हैं। तो लौकिक परंपरा में हमारे यहाँ जब हम कुछ पढ़ना लिखना कहना शुरू करते हैं तो मंगलाचरण करते हैं, करते हैं ना, ये हमारी लौकिक परंपरा है। इसी तरह से वैदिक परंपरा में क्या करते हैं? वैदिक परंपरा में जब हम कुछ अध्ययन करने चलते हैं तो सबसे पहले शांति पाठ करते हैं, ये नियम है। इसलिए हर वेद के अपने अपने शांति पाठ हैं और शांति पाठ को पढ़ने के बाद ही वेद मंत्र का पाठ, उपनिषद का पाठ किया जा सकता है। विशेष करके उपनिषद पाठ में शांति पाठ के अंदर ही पाठ होता है। ठीक है, तो ये मंत्र पढ़ा गया, शांति पाठ का मंत्र है। पूर्ण मदह अदह माने वह पूर्ण है। यहाँ वह का मतलब परब्रह्म परमात्मा से है, जिसकी प्राप्ति के लिए हम लोग अब उद्यत हुए हैं, मोक्ष प्राप्त करने के लिए उद्यत हुए हैं, संसार के चक्र से निवर्तन के लिए उद्यत हुए हैं। तो इसलिए संसार चक्र का निवर्तन ब्रह्म प्राप्ति के अनंतर होता है। तो वो ब्रह्म जो है उसके बारे में अब हम सोच रहे हैं, वो कैसा है, वो पूर्ण है। क्योंकि अभी तक हमने जो जो चीज़ें पाई वो सब चीज़ें इसीलिए हमको संतुष्ट नहीं कर सकती, क्योंकि वो अपूर्ण थी। अपूर्ण होने के कारण थोड़ा तो उन्होंने लाभ किया लेकिन पूरा नहीं कर पाई। इसलिए अब हमको किसी ऐसे की जरूरत पड़ गई जो पूर्ण हो। अपूर्ण से हमारा क्या काम होगा? अपूर्ण को हम ले भी लेंगे तो भी अपूर्ण ही रहेंगे। तो इसलिए अपूर्ण को पाओगे तो पूर्ण होने पर भी तुम अपूर्ण ही रह जाओगे। इसलिए पूर्ण पूर्ण मदहा, वो जो ब्रह्म है वो पूर्ण है। हाँ, पूर्णमिदम्।
दो तरह के ब्रह्म हैं, एक परब्रह्म और एक अपरब्रह्म, ये भी जान लीजिए। इसलिए ब्रह्म शब्द का जहाँ पर प्रयोग रहेगा तो आप लोगों को इस बात का अनुमान करना पड़ेगा कि यहाँ किस ब्रह्म की बात हो रही है, पूर्ण ब्रह्म की बात हो रही है परब्रह्म की कि अपूर्ण ब्रह्म की अपर ब्रह्म की बात हो रही है। अपर ब्रह्म को ही कार्य ब्रह्म भी कहा जाता है। ये क्या बात है, ऐसा क्यों कि ब्रह्म जो है अपूर्ण भी है और पूर्ण भी है, दोनों कैसे हो सकता है? तो ऐसा होता है कि किसी दृष्टि से वो पूर्ण होता है और किसी दृष्टि से अपूर्ण होता है। जो मठ का प्रभारी है, मठ के लोग समझते हैं कि यही सबसे महत्वपूर्ण है, इससे बड़ा कोई नहीं, क्योंकि वही हर चीज का नियमन करता है। किसी को रखना है तो, किसी को निकालना है तो, किसी को खिलाना है पिलाना है रुकाना है, जो करना है हर बारे में वही प्रमुख है। तो जो मठ के लोग हैं वो समझते हैं कि यही समग्र है, यही पूर्ण है, इससे बड़ा कोई नहीं है। लेकिन देखते देखते एक दिन ऐसा आता है कि एक व्यक्ति आता है और उसके आते ही वो जो सबसे बड़ा अधिकारी आप जिसको समझते थे वो खड़ा हो जाता है, दौड़ पड़ता है और फिर अपना आसन छोड़ करके नीचे बैठ जाता है। तब वो मठ के लोग देखते हैं कि अरे हम तो इन्हीं को सबसे समझते थे कि यही सबसे परात्पर हैं, लेकिन ये तो इनका तो कोई है, इनसे श्रेष्ठ कोई और है, तो समझते हैं कि ये श्रेष्ठ है। तब तक एक और आ जाता है और उसके आने से वो दोनों खड़े हो जाते हैं, दोनों नीचे बैठ जाते हैं, वो ऊपर हो जाता है। तब वो जो मठ के लोग हैं वो सोचते हैं अरे हम तो इनको पहले बड़ा समझते थे, ये भी बड़े नहीं हैं, फिर इनको समझा, अब ये भी छोटे हो गए, ये आ गए। तो ऐसे ही हम जिसको बड़ा समझते हैं उसके ऊपर कोई आ जाता है उससे भी श्रेष्ठ, तो फिर वो ऊपर हो जाता है और वो अपर हो जाता है। यही प्रक्रिया चलती रहती है, जब तक कोई नहीं है तब तक सर्वे सर्वा हम, और जब हमारे कोई अधिकारी आ गए तो हम सर्वे सर्वा नहीं रहे, फिर हम नीचे हो गए, फिर वो सर्वे सर्वा हो गए, लेकिन उनके भी अधिकारी आ गए तो वो फिर नीचे हो गए, उनसे सर्वे सर्वा वो हो गए। तो ऐसे ही जो ब्रह्म है उसका भी दो रूप हो जाता है, एक कार्य ब्रह्म और एक परब्रह्म। जो कार्य करता है वो जो निर्देश देता है उससे छोटा होता है, कोई नीति बनाता है ये होना चाहिए ऐसा सोचता है और कोई उस सोचे हुए को मूर्त बनाता है, उसको स्वरूप देता है, तो कौन बड़ा हुआ? जिसके मन में आई बात कि ऐसा होना चाहिए वो, कि जिसने उसको खड़ा कर दिया वो? हाँ, जिसके मन में बात आई वही बड़ा है, क्योंकि उसके मन के अनुसार उसने किया, स्वतंत्र रूप से नहीं किया, इसलिए वो कार्य ब्रह्म जो है वो अपर ब्रह्म हो गए। तो अपर ब्रह्म जो है वो हिरण्यगर्भ, हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत सदाधार पृथ्वीं द्याम उतैमाम कस्मै देवाय हविषाविधेम। वेद मंत्र कहता है कस्मै देवाय हविषाविधेम, किस देवता की हम हवि देकर के आराधना करें? ऐसा कौन देव है जो हमारी सर्वांगीण आराधना का अधिकारी हो? हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे, अग्रे माने सृष्टि के आरंभ में हिरण्यगर्भ समवर्तत, हिरण्यगर्भ विद्यमान था। भूतस्य जातः पतिरेक आशीत, सारे संसार के जितने भी प्राणी थे सबका मालिक वही था, वही सबका नियमन कर रहा था। सदाधार पृथ्वी, उसी ने पृथ्वी उत्पन्न की। द्याम, देव माने स्वर्ग अंतरिक्ष बनाया।
कस्मै देवाय हविषा विदेम। वही देवता पूजनीय है कि उससे इतर भी कोई देवता है जिसकी मैं पूजा करूं? ये जो हिरण्यगर्भ है इसी की सब रचना है कि ये कार्य ब्रह्म है, किसी की इच्छा को पूरा करने के लिए काम कर रहा है? इसलिए ये स्पष्ट हो जाए तो हम जो सर्वश्रेष्ठ हो उसकी पूजा करें, है ना? तो इसलिए अब क्या करें, ये तो तय हो गया कि एक परब्रह्म है और एक अपर ब्रह्म है। सर्वश्रेष्ठ जो इच्छत इच्छा करता तदैक्षत, और एक जो उस इच्छा को पूरा करके खड़ा कर देता है। तो इसलिए पर और अपर ये व्यवस्था हो गई। तो क्या पर और अपर में कुछ अंतर है कि दोनों में कुछ बात है, भेद है कि नहीं है? तो ये मंत्र कहता है पूर्णमदः, वो पूर्ण है, पूर्णमिदम, और ये जो कार्य ब्रह्म है वो भी पूर्ण है, दोनों पूर्ण है। परब्रह्म भी पूर्ण है, कार्य ब्रह्म भी पूर्ण है। अरे ऐसे कैसे हो सकता है भाई, कहा ये सिद्धांत समझ लो। क्या सिद्धांत है? पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्ण से ही पूर्ण निकलता है, ये सिद्धांत है। और अपूर्ण से अपूर्ण निकलता है। जो पूर्ण होगा उससे पूर्ण निकलेगा, और जो अपूर्ण होगा उससे अपूर्ण निकलेगा। जो जो होगा उसी से वही निकलेगा। आम से आम निकलेगा कि इमली, और इमली से इमली निकलेगी कि आम? सीधी सी बात, सिद्धांत है। जो जैसा है उससे वही निकलने वाला है। जो सज्जन है उसकी क्रियाएं भी सज्जन होंगी, उसके काम भी सज्जन होंगे, और जो दुर्जन है उसकी क्रियाएं भी दुर्जन ही होगी। इसी से पता चलेगा कि ये दुर्जन है, नहीं तो पता क्या चलेगा, है ना? काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को भेदः पिककाकयोः। कौआ भी काला है, कोयल भी काली है, दोनों में क्या भेद है? बनावट भी एक जैसी है, रंग भी एक जैसा है। कैसे पता चलेगा कि कौन कोयल है और कौन कौआ है? प्राप्ते बसंत काले तो काकः काकः पिकः पिकः। बसंत की ऋतु आएगी तो दोनों गरमा के बोलेंगे, और जब बोलेंगे तो एक की आवाज कर्कश होगी और दूसरे की आवाज मधुर होगी। जिसकी आवाज कर्कश होगी आप जान जाएंगे कि ये कौआ है, और जिसकी आवाज में माधुर्य होगा आप जान जाएंगे कि ये कोयल है, अन्यथा दूसरा पहचानने का तरीका नहीं। इसी तरह से सज्जन और दुर्जन की पहचान क्या है? उनके कार्य, उनके आचरण। जिसका जैसा आचरण होता है उसे ही उसकी पहचान होती है, माने अंदर से वो वैसा ही है जैसा वो आचरण कर रहा है। तो इसलिए सिद्धांत क्या निश्चित हो गया? सिद्धांत ये निश्चित हो गया कि पूर्ण से पूर्ण ही निकलेगा, पूर्णात् पूर्णम उदच्यते, पूर्ण से पूर्ण ही निकलता है, ये सिद्धांत है। इसलिए पूर्णमदः पूर्णमिदम्, वो भी पूर्ण है ये भी पूर्ण है, क्योंकि उसी से ये निकला है। ठीक, पूर्णमदः पूर्णमिदम्, क्यों? क्योंकि पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। अच्छा, पूर्ण से पूर्ण निकलता है, फिर का विलीन भी उसी में हो जाता है। आप ये भी देख लीजिए, पूर्ण से पूर्ण ही निकलेगा और पूर्ण में ही विलीन हो जाएगा। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, माने जब प्रलय काल आएगा तो जो कार्य ब्रह्म है उसका पूर्णत्व लेकर के जो परब्रह्म है
वो सुस्थिर हो जाएगा। पहले सृष्टि के समय में क्या हुआ, जो परब्रह्म है उसमें से कार्य ब्रह्म निकला, और प्रलय काल में क्या हो गया, वो जो पूर्ण पर कार्य ब्रह्म है उसका पूर्ण तो ले लिया, अपने में फिर विलीन कर लिया। फिर बचा क्या, पूर्णमेव अवशिष्यते, पहले पूर्ण ही था वही बच गया। ठीक है, जैसे कोई बीज है, आम का बीज समझ लो, गुठली। अब वो गुठली है, अब फिर गुठली से क्या हुआ, गुठली से अखुआ निकला, अखुआ से पत्ते निकले, पत्ते से तना निकला, तने से शाखा प्रशाखा निकली, शाखा प्रशाखा से बौर निकले, बौर निकलने से बौर में से आम निकले, कई आम हो गए, एक से कई आम, और सब पके, सबको लोगों ने चूसा, और अंत में बचा क्या, गुठली बच गई। गुठली से ही शुरू हुआ था मामला, और गुठली ही में ही आके रुक गया। ऐसे ही पूर्ण ब्रह्म से कार्य आरंभ हुआ, और पूर्ण में ही आकर के विलीन होकर के फिर पूर्ण ही अवशिष्यते बचता है। ये शांति पाठ है। इस शांति पाठ का फल क्या है, इस ज्ञान को जो जान लेता है कि जो कुछ हुआ है, जो कुछ इस संसार में उत्पन्न दिखाई दे रहा है, भू धातु का वाचक है कि भया हुआ, वो सब ब्रह्म से ही हुआ है। इसलिए ब्रह्म से जब हुआ तो क्या है, ब्रह्म ही है। इसलिए संसार जो है ब्रह्म से आया है, और ब्रह्म से आया इसलिए ब्रह्म ही है, ब्रह्मा अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। अच्छा, नानात्व तो जो है उसका क्या होगा, का ये नानात्व तो क्षणिक है, थोड़ी देर के लिए है, प्रलय काल आ जाएगा देखते ही देखते, और ये सब नानात्व तो फिर से एकत्व में प्रतिष्ठित हो जाएंगे, अद्वैत हो जाएगा। पहले भी वही था, बाद में भी वही हो जाएगा। इसलिए नेह नानास्ति किंचन, यहाँ नानात्व तो जो है वो सुस्थिर नहीं है, आया है जा रहा है, आया है जा रहा है, आया है जा रहा है, इसलिए यहाँ पर चीजें हो रही हैं और नष्ट हो रही हैं। नानात्व तो स्थिर नहीं है, स्थिर क्या है, उसका स्वरूप स्थित है। इसलिए ये जो बात है, पूर्णमदः पूर्णमिदं, वो पूर्ण है, मैं भी पूर्ण हूँ, क्यों, क्योंकि पूर्णात पूर्णमुदच्यते, पूर्ण से पूर्ण ही निकलता है, और पूर्ण से पूर्णमादाय, प्रलय काल में पूर्ण में से पूर्ण लेकर के पूर्णमेवावशिष्यते, पूर्ण ही रह जाता है। जब इस ज्ञान को आपने भली भांति समझ लिया तो क्या हो गया, अब आपकी त्रिविध ताप नष्ट हो गए। तप रहे हैं आप, काहे से तप रहे हैं, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक, तीन तरह के ताप हैं, इन तापों से आप तप रहे हैं। आपकी परेशानी क्या है, आपकी परेशानी यह है कि आँच लग रही है आपको, आप उसके लिए तप रहे हैं, काहे के लिए, आदि भौतिक समस्याएं। कौन कौन सी हैं आदि भौतिक समस्या, हाँ माने पंचभूतों से उत्पन्न होने वाली समस्या क्या है, शरीर। ये शरीर जो है आदि भौतिक है, और इसीलिए इसमें क्या हो रहा है, भूख लग रही है, प्यास लग रही है, यही आपकी समस्या है कि क्या खाऊंगा क्या पीऊंगा, इसीलिए आप किसी न किसी के टिक करके उसकी गाली खा रहे हैं, उसकी धौंस सह रहे हैं, काहे के लिए सह रहे हैं, कोई मार भी दे रहा है, पीट भी दे रहा है, अपमान भी कर दे रहा है, मन नहीं है तब भी काम करवा रहा है, फिर भी आप सब कर रहे हैं कि नहीं तो कहाँ खाऊंगा, कौन खाने को देगा भाई, तो आप जो है परेशान हैं, इसीलिए सब सह रहे हैं, दुख है आपको। अगर भूख ना होती, प्यास ना होती आपकी, तब कितने बड़े राजा आप होते, परवाह करते किसी की,
कोई नहीं लगाता, लेकिन है भूख है प्यास है, इसीलिए सब आगे पीछे घूम रहे हैं कि थोड़ा दे दीजिए थोड़ा दे दीजिए। इसी तरह से आध्यात्मिक मन में दुख है, कोई अपमान कर देता है, आप खाए भी हैं पिए भी हैं, रोग भी नहीं है, हर चीज सही है, लेकिन तभी कहीं गए और उसने अच्छे से बात नहीं किया, पहले प्रणाम करता था आज प्रणाम नहीं किया, दो ठो व्यंग्य वाक्य बोल दिए, अरे अब आप एकदम परेशान, न नींद आ रही है न काम किया जा रहा है, ऐसा कैसे कर दिया उसने, उसने ऐसा कैसे बोल दिया, अब देखता हूं मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, आप इसमें समस्या में हो। और इसी तरह से आदिदैविक, चलो भैया खाए पिए भी भूख प्यास भी नहीं है, मान अपमान का भी इस समय बात नहीं है, बैठे हैं आराम से, तब तक आंधी आ गई, तब तक पानी आ गया, तब तक जो है छत गिरने लग गई, भूकंप आ गया, अब भाग रहे हैं, बचा के अपन कैसे बचाएं अपने आप को, आदिदैविक देवताओं के द्वारा, कोरोना आ गया, हैजा आ गया, प्लेग आ गया, ये आ गया वो आ गया, दैवी समस्याएं, उससे आप दुखी, यही तो दुख है और क्या दुख। ये सब दुख क्यों है? क्योंकि आप जानते हैं कि मैं मर जाऊंगा। अरे मर कैसे जाओगे, तुम तो पूर्ण हो, पूर्ण कोई कोई मारेगा तो पूर्णता खत्म हो जाएगी। तो जब आप जान जाएंगे कि पूर्णमदः पूर्णमिदं, तो आपको ये सब नहीं होगा, न भूख लगेगी न प्यास लगेगी, न मान अपमान का बोध होगा, और न दैवीय आपदाओं से आपको चिंता होगी। क्यों? क्योंकि आप शरीर में आप नहीं रहोगे, ये सब शरीर के धर्म हैं, और जैसे ही शरीर से ऊपर आप उठे, दृष्टा बन गए, बहुत से शरीर कटते मरते रहते हैं, समस्याएं होती रहती हैं, अपने लोग देखते हैं, फोटो वोटो खींच लेते हैं, अपने को क्या फर्क पड़ता है उसके बारे में बोलने के लिए, कि हम दिखाएंगे कि देखो ऐसा हुआ था, वीडियो वीडियो वाले लोग बना लेते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा क्या। तो इसी तरह से अगर जैसे हम दूसरे के शरीरों के साथ समस्याएं होती देखने पर भी निश्चिंत रह सकते हैं, उसी तरह से अगर अपने शरीर के भी हम दृष्टा हो जाएं, काम बन गया भाई, इनको भूख लगी है, हम परेशानी है, हमें क्या परेशानी, बहुत से लोग भूखे हैं और बहुत से लोग खाए पिए हैं, हमें दोनों से क्या फर्क पड़ रहा है, हमें तो परेशानी हमारी भूख से होती है, हमारी प्यास से होती है, हमारे दुख से होती है। तो इसी तरह से जैसे हम दूसरे के शरीर को देख करके बहुत प्रभावित नहीं होते, बहुत ज़्यादा अपने को पिघलाएं, अंदर से संवेदनशीलता निकालें, तब जाके उसके दुख से थोड़ा सा हमको भी दुख होता है कि नहीं नहीं कुछ खिला देते हैं बेचारा, इतना ही तो हुआ है और क्या है। तो जैसे दूसरों के शरीर को, दूसरों के शरीर के साथ होने वाली परिस्थितियों को देख करके हम निश्चिंत रह सकते हैं, उसी तरह से अपने शरीर के भी अगर हम दृष्टा बन जाएं, तो अपने शरीर के साथ होने वाली जो समस्याएं हैं उनका भी प्रभाव हमारे ऊपर बच जाएगा, नहीं पड़ेगा। इसीलिए जो ऐसा कर लेते हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है, समाधि में बैठ गए, लंबे समय तक बैठ जाते हैं, तो उस समय उनके शरीर के साथ क्या हो रहा है उसका भी कोई मतलब नहीं रहता, अस्थि मात्र तनु भय, हड्डी हड्डी बची रहती है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है ना। क्यों? क्योंकि अपने शरीर के दृष्टा हो गए, अब शरीर गल रहा है कोई फर्क नहीं, और ये दृष्टा बनेंगे कैसे, जब अपने स्वरूप को पहचानने की तरफ बढ़ जाएंगे। इसीलिए शांति पाठ किया, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शांति ही शांति ही।
शांति ही। 3 बार शांति का मतलब, पहले शांति का मतलब है आदि भौतिक दुखों की शांति हो, दूसरे शांति का मतलब है आध्यात्मिक दुखों की शांति हो, और तीसरे शांति का मतलब है आदि दैविक दुखों की शांति हो। तीनों तरह के दुख शमन हो जाएं, आनंद। ठीक है, अब उपनिषद पढ़ने की जरूरत है? अगर इतना ही ठीक से लग जाए, नहीं। उपनिषद भो ब्रूहि, कहा गुरु जी उपनिषद बताइए, और गुरु जी ने एक वाक्य कहा, हो गया। यही महावाक्य होता है, एक ही वाक्य से कल्याण हो जाता है। अब जिसका कल्याण इस एक वाक्य से नहीं होगा, जिसके तीनों तापों की शांति एक मंत्र के, शांति मंत्र के पाठ से नहीं होगी, उसके लिए फिर आगे और बताया जाएगा। और जिसकी इतने से ही बात बन गई, उसको अब बताने की जरूरत नहीं है। कैप्सूल है ये, कितना सुंदर कैप्सूल पहले रख दिया है कि भाई लो, पूरा भोजन करने की जरूरत नहीं है, एक कैप्सूल खा लो, काम बन गया, आप तुम्हारा पेट भर जाएगा। नहीं तो ये शांति पाठ। अब इसमें एक शब्द आया है इदम, आपका जो शांति पाठ है, इसी शांति पाठ में एक शब्द आ गया, अदह और इदम। पूर्णम अदह और पूर्णम इदम, तो ये अदह क्या है और इदम क्या है, इसको समझिए। और आगे का जो पाठ है ईशावास्य उपनिषद का, उसमें इसी का विस्तार बताया जाएगा। ईशावास्यमिदम, इदम आया ना सर्वम, तो इदम को समझाएंगे कि ये जो शांति पाठ में इदम पद आया, उसका क्या मतलब है और वो कैसा है। ईशावास्यमिदम इदम सर्वम, अब इसमें सर्वम लगा करके आपको और सरल कर दिया। इदम से कहीं एक इतना ही ना समझ लें, इदम से जहाँ भी चले जाओ कहो कि इदम 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 इदम, चलते चले जाओ इदम इदम बोलते जाओ, तो सब इदम हो गया। सब इदम कैसे होगा, जिसको भी पास में खड़े होके संकेत कर दोगे वही इदम हो जाएगा, है ना। कैसे है वो कारिका है, इदमस्तु सन्निकृष्टम समीपतरवर्ति चेतदौ रूपम अदसस्तु विप्रकृष्टम तदिति परोक्षे विजानीयात। ये जान लीजिए, ये सर्वनाम है, त्यद तद यद एतद इदम अदस एकद्वि युष्मद अस्मत, ये सब ठीक है। अब इसमें इदम अस्तु सन्निकृष्टम, जो इदम शब्द है वो बहुत पास की चीज के लिए होता है, सन्निकृष्ट एकदम पास में जो चीज आ गई है, इदम इदम, उसके लिए इदम नहीं कह सकते, वो दूर है। जो एकदम पास में आ गया दिखा के, उसी को इदम 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 इदम, और वो इदम है, वो तत् है ना। तो अदस इदम अस्तु सन्निकृष्टम, इदम शब्द जो है वो सन्निकृष्ट के अर्थ में होता है, बहुत पास के अर्थ में। इदमस्तु सन्निकृष्टम समीपतरवर्ति चेतदौ रूपतम, और एकदम पास, इदम से भी जो पास है, समीपतर, वो एतत् शब्द से कहा जाता है। उसके लिए कौन सा शब्द है, एतत्। समीपतरवर्ति चेतदौ रूपम अदसस्तु विप्रकृष्टम, अदस शब्द जो है वो भी प्रकृष्ट है, थोड़ा सा दूरी है, और तदिति परोक्षे विजानीयात, तत् शब्द जो है वो परोक्ष के लिए है, जो आंखों के सामने नहीं है उसके लिए है। इसीलिए तत्
तत्वमसी, तत्व माने वो तुम हो, सामने नहीं है आंख के, वो जो परोक्ष है उसके लिए तत्शब्द है। तो चार शब्द बताए कौन कौन से, इदम, अदस, हैं, इदमस्तु सन्निकृष्टम समीपतल एतत् और अदसस्तु विप्रकृष्टम और तदिति परोक्षे विजानीयात। ये चार शब्द हैं, इन चार शब्दों को आप लोग समझ लीजिए और इन चार शब्दों के रूप भी तैयार कर दीजिए, ठीक है। तो आज का पाठ यहीं पर रोक रहे हैं। आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, एक बार संक्षेपकरण करते हैं, मोटा मोटा समझने की कोशिश करते हैं। आज हम लोगों ने ये पढ़ा कि जो प्रस्थान है वो तीन प्रकार का है, श्रुति प्रस्थान, स्मृति प्रस्थान और न्याय प्रस्थान। उन तीनों प्रस्थानों में श्रुति प्रस्थान का महात्म्य है, क्योंकि श्रुति परम प्रमाण है, इसलिए हम लोग सबसे पहले श्रुति प्रमाण से प्रस्थान त्रयी को पढ़ना शुरू कर रहे हैं, ठीक है। और श्रुति प्रस्थान में 10 उपनिषद बताए जिस पे शंकराचार्य जी ने भाष्य किया, उन 10 में सबसे पहले ईश उपनिषद, ईश नाम लिया, इसीलिए हम लोगों ने ईशावास्य उपनिषद सबसे पहले पढ़ना शुरू किया। ईशावास्य उपनिषद पढ़ने चले तो परंपरा सामने आ गई कि पहले शांति पाठ किया जाता है, तो कहा ठीक है परंपरा का निर्वाह कर लेते हैं। परंपरा का निर्वाह करने गए तो हमको मंत्र मिला, कौन सा मंत्र मिला, पूर्णमदः पूर्णमिदम्। ये किस उपनिषद का मंत्र है, ये भी खोज के बताइएगा आप लोग। वो मिल गया, उसका हमने शांति पाठ किया। शांति पाठ से हमको पता चला कि हमारी तीन तरह की अशांतियां हैं जिनको हमको शांति में बदलना है। वो तीन तरह की शांतियां आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आदिदैविक हैं। तीनों की शांति के लिए पूर्णता को जान लेने से हो जाती हैं, तो इसलिए इस पूर्णमदः मंत्र का पाठ किया और ये कर लिया। ऐसा करते समय हमको इदम शब्द सामने आया और एक कारिका व्याकरण शास्त्र की हम लोगों को सुनने को मिली, उसको याद कर लेना। और उस कारिका में आए जो चार शब्द हैं, उन चार शब्दों के रूप हर लिंग में, अगर उनका कोई लिंग है तो, याद कर लेने की जरूरत है। और तब इदम शब्द से ईशावास्य उपनिषद शुरू हो जाए, ठीक है। आज इतना। शिव शिव शंभो हर हर महादेव, हर हर महादेव।